स्प्रेडिंग अगेन ये रिड्यूस था, तो ये क्या हो रहा था? बाय गिविंग अवे व्हाट इट्स टू इलेक्ट्रॉन्स टू साइटोक्रोम, हाँ या ना? ये टू इलेक्ट्रॉन्स किसको मिलते हैं अब? साइटोक्रोम को, और ये 2H+ किधर जाएंगे? एग्जैक्टली थायलेकोइड ल्यूमेन, और ये वापस किस में रहेगा? मेम्ब्रेन में। प्रोसेस में क्या हुआ? प्रोसेस में स्ट्रोमा के जो स्ट्रोमा के जो H+ थे वो कहां पे ट्रांसफर हो गए? सो स्ट्रोमा में H+ डिक्रीज होगा और थायलेकोइड में अनदर रीजन विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वॉट? प्रोटॉन ग्रेडियंट। डू यू गेट दिस आइडिया? एक और पॉइंट इधर, जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो कैसे होते हैं? एनर्जाइज फ्रॉम द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, बट जो जाते हैं साइटोक्रोम में दे आर हैविंग नो एनर्जी इन देम। इसका मीनिंग एनर्जी कहीं पे यूज हो गई, हाँ या ना? वो एनर्जी कहां पे यूज हुआ पता है आपको? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा टू, जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है क्या रिक्वायर्ड है? दो चीजें, ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाना है और एनर्जी लेके जाना है। कौन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहा है? स्ट्रोमा में लेस है, वहां से थायलेकोइड ल्यूमेन जहां पे हाई है वो अगेंस्ट ग्रेडियंट जा रहा है H+, और उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? अब ये कौन सी एनर्जी थी? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी किसको मिली? क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल ने उसको किसमें कन्वर्ट किया? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके क्या बिल्डअप किया जाता है? बाय टेकिंग द प्रोटॉन्स अगेंस्ट ग्रेडियंट यू आर बिल्डिंग अप व्हाट? प्रोटॉन ग्रेडियंट। इज दिस क्लियर? फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी। इफ यू से आई रिवाइज, इफ यू से नो यू कॉपी एंड देन वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। होल्ड ऑन, बोलिए। दिस रिएक्शन हियर और हियर, वेयर शुड आई एक्सप्लेन? हियर प्लास्टोक्विनोन विच वॉज एन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ थायलेकोइड मेम्ब्रेन, इट पिक्स अप 2H+ फ्रॉम स्ट्रोमा वेयर द H+ कंसेंट्रेशन इज ऑलरेडी लेस, इट रिसीव्स टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम During that non-cyclic flow of electron, it receives two electrons from primary electron acceptor. PS2 में से इसमें आया और इसमें से PQ में आ रहा है. Using this three, it will get reduced to PQH2. This PQH2 will go towards what? ये इसके पास था. अब यहां से कहां जाएगा? साइटोक्रोम के पास. PS2 fixed, साइटोक्रोम fixed, बीच में PQ कैसा? मोबाइल। तो एक साइड से इलेक्ट्रॉन लेके दूसरी साइड पे गया, वहां पे वापस क्या हो गया? ऑक्सीडाइज, मींस रिलीजिंग बैक व्हाट? आउट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन्स इट हैंड्स ओवर टू साइटोक्रोम। जो इलेक्ट्रॉन यहां से आए थे वो किसको हैंड ओवर करेगा? 2H+ को कहां पे ट्रांसफर करेगा? ल्यूमेन ऑफ थायलेकोइड। और खुद क्या बन जाएगा? After giving away 2H plus and 2 electrons, PQH2 will be converted to what? That will be ready to take another 2H plus and 2 electrons back. So, वो वापस कहाँ पे चला जाएगा? From cytochromes to PS2, close to that. Yes or no? Simple. PQH2 यहाँ पे form हुआ, फिर यहाँ पे जाके dissociate हुआ, फिर यहाँ से PQ चला गया, यहाँ पे वापस यहाँ पे PQH2 form हो गया. ऐसे movement चलता रहता है. This side. Any doubt up to here? Very busy. Clear? This side. पीछे. This side. Copy this part. I shall erase this one and write down about second half of the story. Second half of the story is about what? How do you break down this gradient and prepare what? That is our second part of the story.
जो बेंच में भी ना ये बोलो सेकंड बेंच पर आई ना बराबर कोई जुड़ना वैसे ले इवन लव पण यूज प्रिफर करके We are trying to understand how is the proton gradient established. The one in which stroma set has less H plus and lumen set of the thylakoid has a more H plus. Across which membrane? Thylakoid membrane. One of the reason inside the thylakoid lumen there is photolysis of water in which what is generated? H plus. So naturally inside the thylakoid lumen H plus level will be higher. Another reason, so inside the stroma NADP reduction will utilize lot of H plus which are utilized from stroma side. So there is a low level of H plus in what? Stroma. Tisra reason hai. Stroma mein se H plus actively kahan pe laye jaate? They are brought inside the thylakoid lumen. Here they are less, here they are more. They are brought from less position to more position. That means they are actively pumped. They means protons H plus. That will help in building the gradient. कैसे लाए जाते हैं? ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कि कैसे स्ट्रोमा में से थायलाकोइड ल्यूमेन में लाए जाते H+ If this is done, then we can go to the next part. Writing part over. In the first half of this hypothesis, what did we see? How is proton gradient established? Developed. In second part, we will see how it is broken down and energy released for synthesis of ATP. So, second half of this tour.
अब इज द प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रोकन डाउन एंड एडीपी इज सिंथेसाइज्ड. फॉर दैट वी हैव एटीपी सिंथेस एंजाइम मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स. One component is called coupling factor zero. Some call it as actually coupling factor O. And another one is coupling factor one, CF0 and CF1. Two components of one complex named as ATP synthase. Have a look at these two components. Can you see this CF0? And can you see this as a CF1? Yes. Are you able to see this, all of you? Yes. If any obstacle is there in between, you can adjust yourselves and have a look at them. So, two components over there. Coupling factor 0 and coupling factor 1. Let's talk about location of CF0. What do you think? Where is the CF0 located? Inside the hyalocoid membrane. Embedded in hyalocoid membrane. That is its position. Where is the CF1 located? Exactly. Can you see? It is attached to the membrane, not embedded in the membrane. And once it is attached on either of the surface, either the surface which is facing lumen of the hyalocoid, or else it is facing the stroma. देखो अगर कोई यहाँ पे attached है, तो what do you call it as? Attached to hyalocoid membrane, but facing the lumen. और कोई object यहाँ पे attached है, तो how what do you see? Attached to the hyalocoid membrane, but facing stroma. This one's position is where ADP synthase F1 component is attached to the membrane and facing what? Stroma. So we write down in this way. Attached to hyalocoid membrane and protrudes, projects towards stroma. Bowie. Position is clear. Second, their role, their function. This one is a transmembrane. F0 is a transmembrane channel for proton diffusion. Iska meaning kya hota hai? Ye transmembrane protein hai, like a tunnel, which is going to act as a channel. I have taught you in that chapter number 11, what are channels? Channels are like proteinaceous tunnels present in the plasma membrane through which ions can diffuse. Ab socho ki ye channel F0 channel hai. Kaun se ion ke liye hai? H plus, proton ke. Isko proton channel kahe. Agar ye open hoga jab bhi, to protons, that is H plus, will move. Either from stroma to lumen or from lumen to stroma. Lumen. Higher concentration of H plus in lumen, lesser in stroma. So, agar ye open hua to kya hoga? From protons will diffuse from hyalocoid lumen and go into which one? Stroma. So, main yahan pe likh deta from hyalocoid lumen. Protons will go to which part? Stroma. This type of a diffusion it is going to permit the transmembrane channel named as CFC. How many have understood the role of CFC? Coupling factor 0, the proton channel. Now, how many have not understood? You all have understood. Fine. Function of CF1.
coupling factor. This is the actually a multi-protein complex. Complex made up of several proteins. Projected from thylakoid membrane towards which side? Stroma. It is the one which will phosphorylate the ADP. Iske surface pe do sites hoti hai, active sites. Ek pe ADP site hota hai, dusre pe phosphate. Aur ye energy leke dono ko kya karega? Join karega. Aur kya prepare karega? What it will take? Energy. And join which two compounds? ADP. Ek enzyme. Uske upar ek surface pe kya set hoga? ADP. दूसरी सरफेस पे क्या सेट होगा? फास्फेट. और जैसे उसको एनर्जी मिली जॉइनिंग देम व्हिच कंपाउंड? एडीपी. फिर से इट हैज अ साइट फॉर एडीपी. इट हैज अ साइट फॉर फास्फेट व्हिच विल जॉइन टू इट एंड मोमेंट इट गेट्स व्हाट? एनर्जी. इट विल बिल्ड अप द बॉन्ड एंड विल क्रिएट व्हाट? एडीपी. उसको एनर्जी कहां से मिलती है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं. लुक, if H plus were to be pumped, actively transported, then energy was required. Agree or not? Yes. You know that it was obtained from the electron flow. Reverse, if protons are diffusing, then energy will be required or released. Agar kisi ko slope pe le jate hai, to energy dena padta hai. Dusra, किसी को स्लोप से छोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है. आपने ग्रेडियंट बिल्डअप किया, उसमें एनर्जी क्या हुआ? स्टोर हो. अब आप जब ग्रेडियंट को ब्रेक करोगे तो एनर्जी क्या होगा? सो व्हेन H प्लस आर डिफ्यूजिंग डाउन अक्रॉस द F0 एंड F1, दे आर कमिंग डाउन अलोंग द ग्रेडियंट. दे आर डिफ्यूजिंग, दे विल रिलीज व्हाट? एनर्जी. व्हिच इज बीन कैप्चर्ड बाय व्हाट? इट इज अ रोटेटिंग कॉम्प्लेक्स. एक कॉम्प्लेक्स ये F0 और ये क्या है? F1. ओके, F0 में से क्या पास हो रहा है? H+. और वो किस में से पास हो जाएगा? F1 और निकल जाएगा टुवर्ड्स वॉर स्ट्रोम. बट इन दिस प्रोसेस F0 डिफ्यूज हो रहा है तो वो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज. वो ये F1 वो एनर्जी लेके अपना मैकेनिकल रोटेशन उसमें यूज कर. जब भी ये रोटेट करता है तो इसकी सरफेस पे एडीपी और फॉस्फेट अटैच होके ज्वाइन होके क्या निकल जाते हैं? एडीपी. रोटेट किया एडीपी फॉर्म, रोटेट किया एडीपी फॉर्म. रोटेट उसको कौन करता है? एनर्जी. वो एनर्जी कहां से मिलती है? प्रोटॉन के डिफ्यूजन. अब इमेजिन करो एक लिंक, बहुत कॉम्प्लेक्स लिंक में एस्टेब्लिश कराने जा रहा हूं. It converted the chlorophyll A, converted the light energy into energy of electron. Phir energy of electrons, electrons passed up to PQ. PQ utilized that energy to build up what? Proton gradient. When you break the gradient, that energy goes, while the passing of the H plus through F0 and F1 and reaching to stroma, in that process energy is released. That is captured in mechanical energy rotation of what? ADP. And ADP synthase passes this mechanical energy of rotation in joining which two? To make up what? ATP mein kaun si energy? Chemical energy. ATP mein kaun si energy? Ab dekho, light energy se electron energy, electron energy se gradient energy. ग्रेडियंट एनर्जी से वापस मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल में से केमिकल एनर्जी. अल्टीमेटली लाइट एनर्जी कम्स टू एटीपी. फोटो केमिकल सिंथेसिस हुआ, लाइट एनर्जी से क्या सिंथेसाइज हुआ? एटीपी. बट लुक एट द इन बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सो व्हाट शुड आई राइट डाउन रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ कपलिंग फैक्टर वन? Synthesizes what? By phosphorylating which one?
by phosphorylating ADP. Using which energy? Using energy released in diffusion of proton during ग्रेडियंट ब्रेक डाउन. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. ग्रेडियंट को क्या कर रहे हैं हम? अगर डिफ्यूजन करोगे तो ग्रेडियंट ब्रेक हो रहा है, और अगेंस्ट ग्रेडियंट ट्रांसफर किया था H प्लस, तो ग्रेडियंट बिल्डअप हुआ था. अलॉन्ग ग्रेडियंट रिलीज कर दोगे तो वापस क्या हो जाएगा? सो दैट इज वॉट यू आर डूइंग. द ग्रेडियंट ब्रेक डाउन, प्रोटोन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन रिलीज इज एनर्जी विच इज बीन कैप्चर्ड in phosphorylation of ADP to synthesize what? फिर से बोल रहा हूं. Proton gradient is broken down to release through diffusion to release which is captured in phosphorylation of ADP to form. In that the job is done by which one? Is this clear now? So हमने दो part में उसको observe किया. First part में gradient को form किया development, और बाद में उसको ब्रेक करके उससे क्या प्रिपेयर हुआ? एटीपी. द रिक्वायरमेंट फॉर दिस कॉल्ड कैमियोस्मोसिस. ऑस्मोसिस मींस अक्रॉस द मेम्ब्रेन to diffuse. Particularly osmosis word is employed for water. Here osmosis of which ion is taking place? H plus. So that is something which explains the ATP formation. For this thing to occur, some of the requirements are there. First requirement is what? Membrane. What must be over there? Membrane. Ek membrane hona chahiye. Yahan pe kaun sa membrane hai? Helicoid membrane. Such a process can occur even in mitochondria. Mitochondria में होता है, उस वाले को क्या कहते हैं? Oxidative phosphorylation. याद है आपको? Chloroplast में photophosphorylation, mitochondria में chloroplast में grana thylakoid membranes are important. Mitochondria में same process हो रहा है, वहां पे कौन सा membrane? Inner membrane of mitochondria. So you want to establish a gradient across certain membrane, then only you can synthesize ATP in this manner. So pehli requirement to kya hai? Membrane hai. Across which you will establish the gradient. Ek aur requirement hai. Proton pump. Light nahi, mitochondria mein bina light ke bhi ATP form hota hai. So it's not the light. What you require is what? Which will somehow utilize the excited electrons to come down to ground state and use their energy for pumping of what? H plus. Ab is process mein light ki wajah se excited electrons milte hain. In case of oxidative phosphorylation in mitochondria, oxidation process se excited electrons milte hain. Bottom line, you need a pump which will push the protons from low concentration to which one? Simple as that. Phir establishment of which gradient? That's the third requirement of this process. Using the pump, you have to establish what? Proton gradient. Tab jaake aap ATP synthesize kar sakte ho. And last thing that is required is ATP synthetase or synthase enzyme. This enzyme, ATP synthase enzyme, is a requirement. The one with F0 and F1. अगर पंप ने ग्रेडियंट हेल्प किया है फॉर्म करने में, तो ये किस में हेल्प करेगा? ग्रेडियंट को ब्रेक करने. एंड बाय यूजिंग दिस यू कैन सिंथेसाइज व्हाट? सो हियर आर द फोर रिक्वायरमेंट्स फॉर विच प्रोसेस? केमियोस्मोसिस. वेदर इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोरिलेशन और एल्स इट अकर्स इन ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. दोनों में ये चार चार कंपोनेंट्स है, इसकी वजह से दोनों में क्या होता है? In this part, second half of the chemiosmotic hypothesis, do you have any doubts? This side, this side, this side. Copy this.
and then you can start preparing this diagram. These ATPs which are prepared here are going to remain as ATPs, or they are to be utilized? In which purpose? No, wrong. Which purpose? Synthesis of glucose. So wahan pe use ho jayenge. So cell cannot utilize this ATP for its cellular activities. सेल्यूलर एक्टिविटी के रिक्वायरमेंट के एटीपी मेनली कहां से आने चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया. दैट्स व्हाई इट इज द पावर हाउस. ये एटीपी जनरेट करता है लाइट के एनर्जी से, बट उसको कहां पे यूज कर देगा? ग्लूकोज फॉर्मेशन में. सो इट इज नॉट गिविंग दिस एटीपीज फॉर द सेल एक्टिविटी. सो वी डोंट कॉल क्लोरोप्लास्ट एज अ पावर हाउस. वी कॉल ओनली माइटोकॉन्ड्रिया एज व्हाट? पावर हाउस ऑफ द सेल. Okay, online students, sir is here. If you have online students, am I audible? If you have any doubt, you can ask. Sir is here. Clear, ma'am. Clear, ma'am. Clear. Clear. Google ke chhe. मैम नस देखा थी.
So already we have learned about photosynthesis that it has two major activities, two major phases. One of the phase is called as which phase? Photochemical phase. The one which is also known as light reaction, light dependent reaction, also known as reaction in Grignard. The one in which two things are produced, ATP and NADPH. Up to here, is it clear? The one which includes two main activities, photophosphorylation and photolysis of water, which occurs in different way, like cyclic and non-cyclic. With that, we have concluded that first part. We shift ourselves, we move ourselves to the next half of the photosynthesis, which is called as biosynthetic phase. What is another name of biosynthetic phase? Dark reaction, also known as light reaction. The reaction in stroma. Ye four words yaad rakhne ka to define this. Biosynthetic phase, the one in which what will be happened? CO2 and H2O will be used to form carbon or carbohydrate. That's the glucose. Clear? So glucose formation by CO2 fixation, CO2 fixation into glucose or carbohydrate, that is the objective of what? Biosynthetic pathway. Light reaction ka path, objective kya tha? To prepare ATP and NADPH. Or biosynthetic pathway ka? To fix the CO2 and prepare what? Carbohydrate. That is the glucose. Using ATP and NADPH of light reaction. Does it require light or no? No. So it is light independent reaction. Can it occur in light or no? Yes. Nothing to do with light presence or absence. It doesn't require light. That makes it light independent reaction. Which part of the chloroplast, where does it occur? Stroma region. Achha, light reaction requirements were what? So first of all, it required light, pigments, chlorophyll, and the photosystems. Then water. Water was, photolyzed. These were some basic requirements of what? Light reaction. It also needed ADP. So that ADP and phosphate. So that they can be converted to what? ATP. It also needed NADP plus. So that they can be converted to NADPH. So requirements, agar koi puche aapko light reaction ki, to number one, light. Number two, photopigments. Number three, ADP phosphate. Number four, NADP plus. And number five, water. So what are the requirements of dark reaction? Number one, CO2. Usko fix karna hai. So that's the first and foremost requirement of this process. Fir water chahiye. Fir ATP chahiye. And isme se isko CO2 to kahan se milta hai? Ye dono kis process mein se mil jate hai? जो कहां पे होता है? ग्रैना में. और वाटर भी वहां से ग्रैना में से मिल जाएगा. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे. दिस बायोसिंथेटिक पाथवे कैन बी ऑपरेटेड इन टू डिफरेंट मैनर. इट कैन बी कैरिड आउट इन टू डिफरेंट मैनर्स. नंबर वन इज नोन एज विच वे? सो उसको कहते हैं C3 पाथवे. और नंबर टू इज नोन एज विच वन? C4 cycle या फिर C4 path. So, which are the two optional pathways for CO2 fixation? Number one, C3 pathway. And number two, plants which are called C3 and C4. सुना है आपने? C3 plants and C4 plants. So, the plants in which CO2 fixation occurs by this way are known as which plants? C3 plants. The plants in which CO2 fixation occurs by this pathway are known as which one? C4 plants. Difference kya hai? Have a look. Melvin Kelvin was a scientist. Melvin Kelvin was a scientist. And his team, Kelvin and his team, when they tried to understand the biosynthetic pathway, the dark reaction, the CO2 fixation, they used radioisotope of carbon, which was C14. Normal CO2 plant ko doge,
तो वो फिक्स करेगा, आपको दिखाई नहीं देगा कौन से कंपाउंड में है। बट आप अगर उसको C14 वाला कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करोगे तो वो जिस कंपाउंड में फिक्स होगा कार्बन, वहां से क्या निकलेगा आपको, रेडिएशन। सो दैट आपको पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड पहले फॉर्म हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? सो दे यूज्ड विच वन, C14, टू अंडरस्टैंड द डार्क रिएक्शन बायोसिंथेटिक पाथवे ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन विच ऑर्गेनिज्म, अल्गा, यूनिसेल्यूलर अल्गे को यूज किया था इस फिक्सेशन को अंडरस्टैंड करने। जैसे ही CO2 फिक्स हुआ, जो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन मिला उनको, उस कंपाउंड का नाम था, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स का है ये कंपाउंड था। तो इस साइकिल को कौन सा साइकिल कहा गया, C3 साइकिल। साइकिल वॉज नोन एज विच साइकिल, also known as which cycle, because it was discovered by whom, Calvin and his team, to honor him. It is known as C3 cycle because first product of is having how many carbon, what's the name of that product, jaise hi CO2 fix hota hai first kya banta hai, PGA, the first stable product named as PGA with how many carbon atoms, so that the cycle is known as which cycle। अच्छा, PGA compound में ये वाला CO2 गया या नहीं गया वो कैसे पता चला, by use of, exactly, any doubt? Another team of scientists after a few years, when they tried to understand the CO2 fixation but in some other plants other than the alga, तो पता चला उनको कि when basically H and slag, HATCH, H and slag, जैसे Melvin Calvin ने ये discover किया था, H and slag ने क्या discover किया था, C4, उन्होंने भी क्या use किया, C14 isotope, और fix करवाया CO2। पता चला शुगर केन प्लांट में, उन्होंने अल्गा में किया था, इन्होंने किस में किया था, शुगर केन में। तो पता चला शुगर केन में जब CO2 फिक्स होता है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट दैट इज क्रिएटेड इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, नॉट PGA। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज हैविंग हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 4। सो देयर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हैज हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 4। सो दैट साइकिल इज आइडेंटिफाइड एज विच साइकिल, C4 साइकिल। क्लियर? Different manner of CO2 fixation compared with which one? C3. So, in the coming lectures, we are going to talk about two cycles, one after the other. First, we are going to talk about, and next, dono kiske pathways hai? Optional pathways hai? Biosynthetic path. Biosynthetic phase jo hai, dark reaction hai, uske dono optional pathways hai. किसमें कौन सा होता है वो प्लांट्स के नेम के साथ डिटेल हम लर्न करेंगे, बट दैट इन अ नेक्स्ट लेक्चर। इज दिस क्लियर? ये प्रिपेयर करके आना है आपको, फाइन?